मेरा नाम रजनीश कुमार और मैं आईपी यूनिवर्सिटी से बीजेएमसी कर रहा हूँ, बैचलर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, और मैं बापरोला बिहार में रहता हूँ। और मेरी राय है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हमारे भारत देश के, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इतना नाम है और उन्होंने गुजरात में देखे, गुजरात में अच्छा विकास करा है, और अभी हमारे पास प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं है, जो कि नरेंद्र मोदी ही एक दावेदार है कि कोई इंडिया को विकास कर सकता है और अपनी जो इंडिया की सुरक्षा है वो कर सकता है। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो देश की स्थिति है, अर्थव्यवस्था देखिए आप, सुरक्षा देखिए, सब नाकाम हो रखी है। कांग्रेस पार्टी 10 साल से ठीक, लेकिन 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं करा। ठीक है, माना कि 10 साल से कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन उन्होंने 5 साल अच्छा काम करा। ये मैं भी नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं करा, काम करा है, लेकिन 5 साल बाद इन्होंने ऐसी राजनीति की जिसमें इन्होंने जात पात और धर्म के खिलाफ काफ़ी माहौल को गर्माहट कर दिया, जिसमें लोगों में एक आक्रोश सा पैदा हो चुका है। तो इससे चीज़ों को लोगों को भुला के बीजेपी को वोट दें और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है, मेरी जो राय अपनी राय है, सबकी अपने अपने राय अपनी विचार है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो मेरी अपनी अंदरूनी राय है, तो मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री दावेदार हैं, और बीजेपी के जो कैबिनेट में जब आए, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अमित शाह उनके कैबिनेट में बैठे, कि अमित शाह भी बहुत ही अच्छे राजनीति, और अरुण जेटली हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, सुषमा जी हो गए, अपने अडवाणी जी हो गए, गडकरी जी हो गए, काफ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी के पास जो हमारे देश को विकास करने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी तो राय है कि नरेंद्र मोदी ही पीएम बने और